नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज क्लिक पर। मैं हूं नीलू व्यास और आज पॉइंट ऑफ व्यू में बात करेंगे किस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस, उसका बिल्कुल बुरी तरह से कितना पतन हो रहा है। अभी हाल में जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे और जो नतीजे आए हैं उसमें आपने देखा कि किस तरीके से पंजाब में केवल कांग्रेस को 18 सीटें मिली हैं। उम्मीद की जा रही थी कि उत्तराखंड में, मणिपुर में, गोवा में भी कांग्रेस शायद कुछ करिश्मा कर पाएगी, लेकिन कुछ भी कांग्रेस के हाथ नहीं लगा है। और यहाँ तक अब ये बुरा हाल है कि लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ कर जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, राहुल गांधी भी इस्तीफा देने के लिए तैयार है, प्रियंका गांधी भी तैयार है, लेकिन उस प्रपोजल को खारिज कर दिया गया। और जिस दिन नतीजे आए थे ठीक उसी दिन शाम को या अगले दिन G23 समूह की एक बैठक गुलाम नबी आज़ाद के आवास पर हुई थी और उसमें ये कहा गया सूत्रों के हवाले से कि जो राहुल गांधी का नेतृत्व है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए हैं कि क्या राहुल गांधी इस समय इस पोजीशन में है कि वो कांग्रेस की कमान को संभाल सके। लेकिन ज़्यादा कुछ बदलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी वो कन्वेंशनली जैसे सारी CWC की बैठकें होती हैं उसी तरह से हुई। बाहर समर्थकों का एक हुजूम भी दिखा और बाद में ये कहा गया कि देखिए अब ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होंगे, 20 अगस्त का वो दिन है जबकि CWC के अध्यक्ष का चयन होगा एक इलेक्शन प्रोसेस द्वारा। लेकिन उम्मीद क्या है, कपिल सिब्बल जो एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने कहा है कि इस समय ज़रूरत है तो सबकी कांग्रेस की ज़रूरत है, ये नहीं कि लोग अंदर कुछ कहते हैं बाहर कुछ कहते हैं। तो चलिए क्या कुछ चल रहा है समय कांग्रेस में, बात करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व लोकसभा सांसद संदीप दीक्षित के साथ। संदीप दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ क्लिक पर। संदीप जी, जो मेरा पहला सवाल है कि इतना गहन मंथन, चिंतन, एक चिंतन शिविर की भी बात की जा रही है, ये बहुत आपको लगता है कि देर नहीं हो गई है? बीजेपी की को अगर आप देखें तो बीजेपी के लिए चुनाव खत्म हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले दिन वो गुजरात में नजर आ रहे थे, और कांग्रेस इस समय एक चिंतन शिविर की बात कर रही है, बेमायने आपको नहीं लगता कि ये चिंतन शिविर बिल्कुल बेमायने है? जो मुझे समझ है उसी से आपको बताता हूँ। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो करती रहे। हमारे में जो ये एक तरीके से क्रियाशील होने का या लोगों से जूझने का या लोगों से संबंध बनाने में जो कमजोरियां आई हैं, ये मेरे हिसाब से कोई 7-8 साल से चल रही है, कोई आज नई बात नहीं है। और एक तरीके से दिक्कत क्या हो गई है कि मुझे लगता है 2 तरह की दिक्कतें आई हैं। एक तो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं उनमें सत्ता क्या होती है उसका अपने अंदर में जो उसकी परिभाषा है वो बदल गई है। देखिये, अमूमन हम सत्ता मानते हैं जब हम देश की सरकार पर काबिज होते हैं। ये लोग कांग्रेस को अपनी सत्ता मानते हैं, उनका ये कि कांग्रेस पे काबिज रहो सत्ता बनी रहेगी। इसलिए कार्यकर्ता को भले दिक्कत हो, देश को भले दिक्कत हो, समाज को दिक्कत हो, कांग्रेस में चिंतन करने वाले व्यक्तियों को हो जो कांग्रेस में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि कांग्रेस एक बेहतर देश दे सकती है, उनको दिक्कत हो, तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है जिसमें हमारे करंट बिल्कुल टॉप लीडर्स भी हैं और पूरी जो एक पैंथियन है कांग्रेस नेताओं की, उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है ठीक है, कोई जनरल सेक्रेटरी है, कोई सेक्रेटरी है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई कुछ है। एक तो ये बड़ी भारी दिक्कत आ गई, तो वो अपने स्टेटस को में बहुत ज्यादा परेशान है। क्योंकि मैम, जब तक 2 चीजें होती, या तो आपके पीछे एक एग्जिस्टेंशियल वो हो कि लगे आपको कि नहीं सब हाथ से जा रहा, तब आदमी आगे बढ़ चढ़ के काम करता, या एक एक आग होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए कुछ करने की या कुछ पाने की या किसी के लिए कुछ करने की, वो अलग बात है, प्योर स्वार्थ हो सकता है। उन दोनों तीनों में कमी हो गई है। और दूसरी बात यह है मैं कि मेरे हिसाब से आज की बदली हुई राजनीति और बदली हुई परिस्थिति में नई राजनीति कैसे होती है। आज मैं जो से बार बार बात कहता हूं कि हजारों जगहों पे नए नए नेतृत्व के लोग निकल कर आ रहे हैं, उनको कैसे जोड़ने की बात होती है। आज एक खासकर जो युवा वर्ग है उसमें एक बहुत क्लियर बात आ गई है कि आप अपने अपने कामों से, अपनी क्षमता से आपको जो मिले एंटाइटलमेंट के खिलाफ एक बहुत गहरी एक फीलिंग लोगों में आ गई है। इन चीजों पर हम बिल्कुल परे दिख रहे हैं।
और क्योंकि अगर आप नई भावनाओं को बदलते हुए समय में नई भावनाओं को नहीं पकड़ेंगे तो हम बुरी तरह से गिरते जा रहे हैं। इसलिए हमारी आइडियोलॉजी सही है, हम प्रदेशों में क्या करते हैं वो ठीक तरह से कर पाते हैं, लेकिन जिनके लिए कर रहे हैं राजनीति में, जिनसे हमारा सरोकार होता है, उनके सामने जो हमारा चेहरा जाता है वो चेहरा नहीं है जो लोग चेहरा चाहते हैं। आज हमारे ही कारणों से, मैं एक आखिरी बस लाभ बात बोल दूं, कांग्रेस के ही कारण से जो डीप डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है इस देश में, उसको हम ला तो पाए लेकिन अपने चरित्र में हम उसको आत्मसात नहीं कर पाए। तो जब बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर की डेमोक्रेसी नहीं है, कांग्रेस के अंदर की डेमोक्रेसी की मुझे चिंता नहीं है, इस देश की नई डेमोक्रेसी के साथ जुड़ने की हमें क्षमता नहीं बची है। संदीप जी, मुझे जो एक चीज समझ में नहीं आती है, अगर आज लोगों को ये लगता है कि राहुल गांधी बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, सोनिया गांधी बिल्कुल बेकार हो चुकी हैं, प्रियंका गांधी कोई करिश्मा नहीं कर सकती हैं, तो जब CWC की बैठक होती है उसमें सारे नेताओं को क्या हो जाता है? G23 का जो गुट है वो बाहर मीडिया से सारी बातें करता है कि देखिए ये गलत है वो गलत है, वही नेता जब CWC के अंदर जाते हैं तो उनके मुंह में ऐसा लगता है दही जम गई है, वो खुलकर टेबल पर ये बात क्यों नहीं बोल सकते कि राहुल गांधी को हटाओ, सोनिया गांधी को हटाओ, ये चीज CWC के अंदर क्यों नहीं हो पाती? CWC में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको मैं इसलिए एक दूसरे तरीके से देखूंगा कि CWC कोई चिंतन का माध्यम ही नहीं और ऑनेस्ट मीडियम नहीं है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से नहीं। एक जमाने में जो कांग्रेस के भविष्य के इतिहास को जानते होंगे, मेरे ख्याल से 70 के दशक तक कैबिनेट में बाद में चीज तय होती थी, पहले वर्किंग कमिटी में डिबेट हो जाती थी, वर्किंग कमिटी में प्रधानमंत्रियों पर भी सवाल उठा लिए जाते थे। अब क्या है कि जो हमारे कांग्रेस के जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो टेबल पर बैठ के कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोगों को नियुक्त करता है। तो क्या है कि जब आप भाई एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर से आप किसी पोजीशन पे आए हैं और अपॉइंटमेंट लेटर और डिसमिसल की पावर किसी के पास है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है वहां कुछ कहने की। भाई मैं वर्किंग कमेटी हूं, यही मेरा समझ लीजिए पीक है मेरे करियर की, तो जो अपने करियर की पीक में है वो कंटिन्यूटी चाहता है, वो चेंज नहीं चाहता। कोई भरोसा करना कि वर्किंग कमिटी में कुछ हो जाएगा गलत। हाँ, ये मैं कहने वाला हूं कि जो सोनिया जी ने बात कही चिंतन शिविर की, जरूरत हमें चिंतन शिविर की नहीं है, वो चिंतन शिविर भी एक्सपेंडेड CWC है, उसमें से लोग चिन्हित किए जाएंगे, जो हमारे AICC में 70-80% लोग काबिज हैं, जो असली में जड़ हैं हमारे हमारी इस बुरी हाल की। अगर आप 2-3 लोगों के नाम लेते तो उनके साथ साथ जो ये 15-20-25 जनरल सेक्रेटरीज उसके साथ के लोगों की मंडली है उसमें 80% लोग इनसे भी ज्यादा जिम्मेवार है। उस चिंतन शिविर में यही लोग जाएंगे। मेरा ये कि अगर आपको सही में करना है कांग्रेस में अनुभव के, चुनाव जीतने के, चुनाव के लिए क्या सिस्टम्स बनने चाहिए, किस राज्यों की क्या जरूरतें होनी चाहिए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स को कैसे गाइड करना चाहिए, नए मीडिया के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, गली मोहल्ले से नेताओं को कैसे कांग्रेस से जोड़ना चाहिए, बहुत बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ है, आप में हिम्मत नहीं है उस टैलेंट को छूने की, क्योंकि इस टैलेंट के जो नया टैलेंट है इसमें एक और बात है और वो सिर्फ कांग्रेस में हम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, अगर करें तो वो बीजेपी और आम आदमी में भी नहीं फिट होंगे, वो ये है ये टैलेंट सवाल भी पूछेगा। संदीप जी, आप बातें कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपने कहा कि इन चिंतन शिविर का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो एक्सटेंडेड CWC है, जिस फॉर्म में मुझे लगा होगा उसमें फायदा नहीं होगा। नहीं तो आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि CWC को डिसबैंड कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि उसमें 80% लोग ऐसे हैं जिनमें जंक लग चुका है, जिनमें कोई विजन नहीं है, वो पार्टी को आगे बढ़ा ही नहीं सकते, व्हाट इज द यूज ऑफ सच अ CWC, व्हाई नॉट डिसबैंड सच अ CWC? CWC इसको डिसबैंड करेंगे तो जो दूसरी आएगी वो भी वही लोगों की आएगी ना। तभी मैं कह रहा हूं मैम, अगर हम सच्ची में सीरियसली सोचें कि हमारे यहां उस तरीके के जो आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कई ऐसे जनरल सेक्रेटरी थे जो ऐसे ऐसे प्रदेशों में हमें जिता देते थे जहां हमें उम्मीद नहीं थी, आफ्टरऑल यही इसी में एक नेतृत्व था जिसने 2003 में भी हमें जिताया, इसमें 4 में ऐसा ही नेतृत्व था जो कई जगहों पे आश्चर्यजनक हमारे पास रिजल्ट आ जाते थे। तो उस समय जो सिस्टम्स चलते थे आपने उस सिस्टम्स में से आप कुछ सीखें, कुछ और पार्टियां नए तौर तरीके क्या कर रही हैं उससे आप सिस्टम सीखें, सीखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे अंदर में बहुत टैलेंट है, हमारे अंदर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नए सिस्टम निकाल सकते, लेकिन मैम ये सब तभी होगा ना जब आप डेमोक्रेटिकली संवाद करें, अपनी गलती मानकर अच्छे सुझाव मानने की हिम्मत रखें। अगर आपकी हर कदम एक रणनीति हो अपने आप को बचाने के लिए,
जैसे अभी किसी ने बताया कि साहब किसी एक कार्यक्रम में किसी ने कहा कि साहब मेरी सारी गलती है, मैं क्या करूं, तो किसी ने कहा नहीं 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 रहने दो, बात वो नहीं होती। बात ये नहीं है कि आपकी गलती है किसकी गलती है, अगर गलती हुई है तो क्या इन गलतियों से सीख के आगे हम ये गलती नहीं करेंगे? एग्जैक्टली बात वो है ना, गलती सबसे होती है, किससे नहीं होती है, और बहुत सीनियर लोगों से, मेच्योर लोगों से गलती हो सकती है, लेकिन गलती आज किस किस सिस्टम के कारण, किस कारण से हुई, क्या हम लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, क्या हम लोगों से संवाद नहीं कर रहे हैं? सिंपल है, मैं 2 महीने था पंजाब में, आपको याद है आपकी मेरी चर्चा 2-3 बार हुई थी पंजाब में, मैंने दिल्ली आकर लोगों से कहा था कि आम आदमी की 90 से कम सीटें नहीं आ रही हैं। अब मुझे, मैं तो पंजाब का नहीं हूं, आप लोगों से बात हुई, मैं भी फील्ड में गया, मैंने अपने आप देखा 50-55 सीटों पर जहां कांग्रेस बैठी थी मुझे लग रहा था 30 से ऊपर नहीं आ रही है। तो मुझ जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस में भी कोई खास नहीं है, जो कहीं जाता आजा भी नहीं ज्यादा पाता हूं, मैं थोड़ा बहुत घूमा, मुझे जब पता था कि ये हाल है कांग्रेस का, तो हमारे नेताओं को क्यों नहीं पता था? हमें वहीं लग रहा था कि हमारा कैंपेन नहीं जा रहा है, हमारी मैसेजिंग नहीं हो रही है, हमारी लोग बात नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से केजरीवाल को बदनाम करना वो टॉपिक्स नहीं जा रहे हैं, हमारे जो बहुत अच्छे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच में जाने चाहिए वो गायब हैं। तो सिंपल चीजें जो होती हैं, जो बहुत सिंपल एबीसी स्टेप्स होती हैं कांग्रेस किसी चुनाव को लड़ने की, अगर पार्टी वही भूल जाए तो वो पार्टी की गलती नहीं है, जो चीज इस पर मैनेज कर रहे हैं उसकी गलती है। और इसलिए मैं कहूंगा कि ये पूरे की पूरी एक तरीके से लीडरशिप में जो एक ओरिएंटेशन आ गया है सेल्फ प्रिजर्वेशन का, चाहे वो टॉप लीडरशिप की बात हो, चाहे जनरल सेक्रेटरीज की बात हो, चाहे चीफ मिनिस्टर्स की बात हो, चाहे औरों कोई की हो, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलना जरूर पड़ेगा। लेकिन संदीप जी, क्या आज ये पूछना गलत होगा कि कांग्रेस में अपने आप को सेल्फ अप्रेज करने की या अपने आप को बेहतर करने की वो इच्छा है ही नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे मैदान, इच्छे से ज्यादा कैपेसिटी नहीं, इच्छा है आप... ऐसा नहीं, इच्छा नहीं है, कोई नहीं चाह, हर आदमी चाहता कि हम सरकार बना ले, तो इच्छा, इच्छा से क्या करेंगे? मेरी इच्छा है कि मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलूं, कैपेसिटी है मुझ में, बात तो ये भी ना, इच्छा है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, कैपेसिटी है मुझ में, इच्छा है मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाऊं, कैपेसिटी है मुझ में, इच्छा की बात नहीं है, नहीं, लेकिन आग चाहिए, मेहनत करने की क्षमता चाहिए, गलतियां समझने की क्षमता चाहिए, अपने आप को बदलने की क्षमता चाहिए, ऐसी टीम पकड़ने की है जो टीम मेरी ना हो, जीत के लिए टीम हो, जो कार्यकर्ता मेरे ना हो कांग्रेस के हो, जो नेतृत्व मेरा ना हो कांग्रेस का हो, जो काम सिर्फ हमारे लिए ना हो देश के लिए, ये सब कैपेसिटी आप में होगी तो आप अच्छा काम करोगे। नहीं, लेकिन मुझे संदीप जी जो बात समझ में नहीं आती कि हर पार्टी में एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता है कि अगर इसने गलती की है तो इसको हटाया जाएगा, अगर इसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस, इफ इन वन लाइन इफ आई मे आस्क, वेयर डज द बक स्टॉप? डज द बक स्टॉप एट राहुल गांधी? डज द बक स्टॉप एट सोनिया गांधी? डज द बक स्टॉप एट प्रियंका गांधी और टू एनी ऑफ द सीडब्ल्यूसी मेंबर्स? वी डोंट नो। मैं बस एक ही लाइन कहूंगा और आई नो इससे मुझे भी बोल के बहुत बड़ा खतरा है, हमारे यहाँ दिक्कत का है कि जज, ज्यूरी और गुनाहगार तीनों एक ही है। आप कह रहे गांधी परिवार? मैं कह रहा हूँ जज, ज्यूरी और गुनाहगार, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, स्टेट लेवल पर भी, एआईसीसी लेवल पर भी ये दिक्कत हो जाती है। मैं क्या विश्लेषण करूं अगर मैंने सब गड़बड़ की है तो, और मैं जानता हूं ना क्या गड़बड़ी मैंने की है। और मैं एक और चीज मैं बार बार बताऊंगा, कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, ऐसा थोड़ी है कि कोई कांग्रेस के यहां से नेतृत्व को भेज देता है, हमारे जनरल सेक्रेटरीज को, हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर्स को, क्या चुनाव हार के आओ, ये थोड़ी कहता है, वो तो कहता है चुनाव जीत के आओ, लेकिन क्या क्लियर डायरेक्शंस दिए जाते हैं, क्या जो अपेक्षाएं हैं उन लोगों की, जो टैलेंट उनमें होना चाहिए कि चुनाव जिता सके, क्या जब हमने उनको चिन्हित किया था तो हमने सही लोगों को चिन्हित किया था? आप देखिएगा मैम, सबसे ज्यादा इस समय वही लोग चिल्ला रहे हैं जो सीधे सीधे इन 4-5 राज्यों में हार के जिम्मेवार है। यार तुम तो कुछ शर्म कर लो, सांकेतिक रूप से रिजाइन कर लो। मैं बात किसी को आज तक नहीं कह, मैं बताता हूं, दिल्ली में चुनाव हुआ है 2020 में, मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है कांग्रेस का, एक नाम मात्र का कुछ एक छोटा सा पद था, पर कम से कम मैंने कहा कि भाई चलो बात ठीक नहीं है, मैंने एक चिट्ठी लिखी सोनिया जी को, कहा कि भाई दिल्ली में हार हुई है, मैं मॉरल जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देता हूं। आज दिल्ली में हमारे पास एक गली का चुनाव जीतने की कैपेसिटी नहीं है, और 4-4, 5-5 जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी दिल्ली से बने हुए, क्यों भाई? दिल्ली वाले पहले दिल्ली जिताओ ना, यूपी वाले पहले यूपी जिताओ ना। सवाल नहीं पूछे जाते, आपने जैसे कहा क्राइटेरिया टैलेंट कुछ, भाई संदीप दीक्षित को आप कुछ बनाओगे? अपना घर तो संदीप दीक्षित जीत नहीं सकता है, कांग्रेस के नेता बनेगा वो?
लेकिन क्यों अगर नहीं इस तरीके चार से आप जनरल, कठोर बातें और सब लीडर से पूछते हैं? हाँ एग्जैक्टली वही मेरा सवाल था कि अगर चार जनरल सेक्रेटरी दिल्ली में बनाए हैं तो उन चारों को उखाड़ के फेंक दीजिए अगर वो काम नहीं कर रहे तो, मैम ये वैसे हो भी पाता कांग्रेस के दिल्ली अंदर का से? मैं ज्यादा जानता हूं, इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह से ये है। कोई चुनाव हार के आता है राज्यसभा में बन जाता, क्यों भाई? अगर आप लगता था कि आप राज्यसभा लायक हो तो ना लड़ते लोकसभा, एग्जैक्टली क्यों? क्या इसमें मैसेज जाता है कि यार ठीक है हम तो भाई देखो जब तक हम खूंटे से टंगे हैं, खूंटा कहां टंगा इससे फर्क नहीं पड़ता, जब तक हम खूंटे से टंगे हम टंगे हैं, खूंटा मत टूटने देना, दीमक लग जाए खूंटा हम और कुछ ना टंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव जी मैं पूछ रही थी कि जो आप खूंटे की बात कर रहे हैं वो खूंटा क्या है? वो खूंटा गांधी परिवार है? वो खूंटा सत्ता है? आखिर ये लोग क्यों उस खूंटे से टंगे हुए हैं और वो क्या है वो खूंटा, आपसे समझना चाहूंगा। कांग्रेस की सत्ता है और इनका और कुछ नहीं है, और यही लोग अगर व्यक्ति जो, जो जो सत्ता से संबंधित है बदलेगा तो ये अपनी लॉयल्टी बदल लेंगे, इनमें कोई क्योंकि मेरा ये तो सच्ची में कहना है मैम कि सच्ची में अगर हम गांधी परिवार के लॉयलिस्ट हैं या समझ लीजिए कांग्रेस के लॉयलिस्ट हैं और हमारे लिए गांधी परिवार और कांग्रेस सिनोनिमस है, तो हमारा पहला ध्येय होना चाहिए कि कांग्रेस को जिताने के लिए हम जमीन आसमान एक कर दें, जिसे कहते हैं खून पसीना अपना बहा दें। इसमें ज्यादातर लोगों को कभी आप काम करते देखिएगा, ज्यादा से लोगों की जिन राज्यों में काम करते हैं इनसे रेपुटेशन देखिएगा तो घबरा जाता आदमी कि किस तरीके के लोग आज कांग्रेस की सत्ता पे काबिज है। इलेक्शन मैनेजमेंट ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो गया है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, ये लोग राज्यों के विषय में खुद जाकर पार्टी बन जाते हैं, दिक्कत ये सब है ना। सही में मैम अगर भाई अगर मैं सच्ची में लॉयल हूं अपनी पार्टी के लिए तो मैं सबसे पहला मेरा ध्येय होना चाहिए कि बेस्ट कैंडिडेट चुनूं, कम से कम चुनाव के 6 महीने पहले से चुनाव की तैयारियां शुरू करूं, कैंपेन बनाऊं, हमारी अगर जहां सरकार है उसकी उपलब्धियों को इतना प्रचार प्रसार करूं कि लोगों के मतलब जहन में केवल हमारी सरकार का नाम रहे, अगर हम विपक्ष में है तो तीखी तरीके से सरकार की जो 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 कहते हैं हर मुद्दे पर उस पर हमला करूं। कहीं आपने देखा है आप कभी भी कांग्रेस की मैसेजिंग देख लीजिए, अरे मैं नहीं कन्विंस होता हूं कांग्रेस की मैसेजिंग से तो आम आदमी क्या कन्विंस होगा, और तो उसके संदीप लिए किसी जी और पार्टी का तीखापन देख लीजिए। हाँ अगर महिमा मंडन करना है तो कांग्रेस सबसे आगे, किसी के पक्ष में उतर जाना है तो सारे लाइन से लग जाएंगे। आपने देखा होगा एआईसीसी के बाहर जो लाइन लगी थी कि फलाना नेता आप आगे बढ़ो फलाने के हम, ठीक है अच्छा है आप अपने नेता के समर्थन में आए, इसी तरीके से कांग्रेस ने क्या काम किया था दिल्ली में या क्या काम कर रही है राजस्थान में या क्या काम कर रही है छत्तीसगढ़ में या क्या काम किया हमने पंजाब में, इस पर कभी रैलियां देखी हैं? छोटा उदाहरण है मान, ठीक है हमने अमरिंदर सिंह जी को पंजाब में हटाया, ठीक है जो भी कारण रहे होंगे कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने पूरे काम नहीं किए इसलिए शायद बदनाम हो गए थे या उनकी उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, 4.5 साल कुछ तो काम किया होगा उन्होंने, खराब से खराब सरकारें भी कुछ ना कुछ काम तो करती हैं, एक उपलब्धि कोई बता दे अमरिंदर सिंह जी। हमारे में आदत ही नहीं रही है क्योंकि अगर आप तारीफ करेंगे तो फिर उस खिचड़ी में आपको कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तारीफ करना सही देखना भाई कौन मुख्यमंत्री हो कौन नहीं हुई सिर्फ नहीं बनता है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया, लोगों में सबसे बड़ी ऑपोजिशन कांग्रेस की कांग्रेस ही बनती है। इतना बड़ा मैम जैसे बार बार उदाहरण में देता हूं, 2010 में इतना बड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ, ठीक है मैम मेरे ख्याल से जो जो टोक्यो की उसे खबर आती है उससे बेहतर हमारे गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे, किसी ने तारीफ करते सुना कभी आपने? और ये केवल दिल्ली सरकार ने नहीं ऑर्गेनाइज किया था, भारत सरकार का भी उसमें हाथ था, कोई फिल्म बनाई हो हमने, कोई कहीं से किसी मंच से कहा हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हमने कमाल के किए थे, हम ही नहीं कहेंगे तो दूसरा तो उसका जो नेगेटिव पक्ष है या जो नेगेटिव प्रचार हुआ वही देखेगा ना। नहीं निदीप जी आपकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि ये जो कांग्रेस के अंदर की बीमारी है ये इस स्टेज पर पहुंच गई है कि जहां पर न तो उसका डायग्नोसिस हो सकता है और अगर डायग्नोसिस नहीं हो सकता है तो दिक्कत कहां पे है? क्या विचारधारा की एक विचारधारा का संकट है, नेतृत्व का संकट है या फिर प्रचार और प्रसार का संकट है? ये तीन बातें मुझे बड़ी लगती हैं आपकी आपसे बात करने के बाद। डायग्नोसिस प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तो जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बातें मैं कह रहा हूं वही सही है, मैं एक व्यक्ति हूं ऐसे सैकड़ों व्यक्ति होंगे अभी पोजिशंस पे भी होंगे और जगहों पे भी होंगे, क्योंकि मैं एक और चीज आपको बात बताऊं, मैं बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस में जो पब्लिक में कुछ कहते हैं व्यक्तिगत रूप से जब मुझे मिलते हैं तो बहुत सी अलग बातें कहते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपको जो भी सीनियर नेतृत्व हो वो संवाद करे और लोगों को कॉन्फिडेंस दे कि वो सच बोले, और सच बोलने का कॉन्फिडेंस तब आता है
जब आप तीखी अगर आप बात भी कहें और पर सच बोलने का यू आर रिवॉर्डेड नॉट ओनली बाय पोस्ट्स, यू आर रिवॉर्डेड बाय मेनी अदर थिंग्स, यू आर यू कंटिन्यू टू रिमेन इन द पॉलिसी मेकिंग पार्ट ऑफ द पार्टी, और आपकी जो सही बात हो उसमें पार्टी चलती दिखे, तब कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं कहूं कि भाई मुझे समोसा चाहिए और आप मेरे लिए समोसा परोसें, तो मैं कहूंगा नहीं, आज आपके मेरे बीच में एक संबंध बना है, तो एक तो पॉजिटिव एक्शन की बात होती है। विचारधारा में तो इंपॉर्टेंट चीज सेवल यह कि उसको आज के लिए उसको ब्रेक डाउन करना लोगों के लिए। बार बार लोग मुझसे कहते हैं विचारधारा की लड़ाई है, क्या विचारधारा की लड़ाई है भाई? चलो मैं तो इतिहास का स्टूडेंट हूं, थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता रहता हूं, थोड़ा सा आइडिया है कांग्रेस की ब्रॉड आइडियोलॉजी क्या होती है, कार्यकर्ता बेचारे को पता ही नहीं है। जब हम लोग कहते हैं कि हम हिंदुत्व के खिलाफ हैं, कहा जाता है ना कि हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू धर्म के उसके खिलाफ नहीं है, कार्यकर्ता को नहीं समझ में आता क्या अंतर है। हमारे बड़े बड़े नेता कहते हैं हम हिंदुत्व के खिलाफ है, अरे बता तो दो क्या खिलाफ हो, या हिंदू धर्म और हिंदुत्व में क्या अंतर है, या हिंदुत्व हिंदू धर्म नहीं है, ये किसकी जिम्मेवारी है बताने की, हमारी या जो हिंदुत्व के नाम पे प्रचार करते। और तीसरी आप बात कर रहे हैं नेतृत्व की, स्वाभाविक है अगर ये सब चीजें नहीं हो रही हैं तो या तो नेतृत्व में को ये सब करने की क्षमता अपने अंदर में लेनी पड़ेगी, या जिनमें ऐसी क्षमता है उनको नेतृत्व देना पड़ेगा। तो ये शुरुआत कौन करे? अगर राहुल गांधी नहीं कर सकते, प्रियंका गांधी नहीं कर सकती, सोनिया गांधी नहीं कर सकती, जितने ऑल जनरल सेक्रेटरीज हैं वो बिल्कुल निकम्मे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत आज कौन करेगा? मैम शुरुआत तो हमारे यहाँ ऊपर से हो सकती है, हमारे यहाँ उस हिसाब से ऊपर से, यानी कि कौन, अगर मैं बिल्कुल एक पिन पॉइंटेड सवाल आपसे करूँ कि वो ऊपर से जब बात आती है, 7-8 नेता हैं इस समय, केवल केवल कांग्रेस अध्यक्ष या पूर्व अध्यक्ष नहीं है, और भी हैं 7-8 टॉप के नेता हैं, और वही डिसीजन मेकिंग में हैं, वही एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातें करते हैं, और वही इस चेंज को इफेक्ट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एज यू आर सेइंग। तो फिर तो ये संकट बना ही रहेगा, मुझे लगता है ये संकट कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल विल किसी में होगी नहीं, और खासकर गांधी परिवार के लोगों में ये बिल्कुल पॉलिटिकल विल नहीं होगी कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो 6-7 लोग उनके इर्द गिर्द हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हैं। आज क्या राहुल गांधी पलट कर ये कह सकते हैं कि देखिए केसी वेणुगोपाल बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है, इनको हटा दिया जाए? आज राहुल गांधी क्या इस चीज को कहने के लिए सक्षम है? क्या वो कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो अगर ये बात वो नहीं कह सकते, लेकिन अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई वेणुगोपाल इज ओनली टू ब्लेम या कोई और, वो तो अलग बात है, वो तो मेरे ख्याल से इंटरनली हम लोग ज्यादा चर्चा करते हैं। देखिए अगर जो राइटिंग ऑन द वॉल है हम भी पढ़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है सीनियर लीडर्स भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग भाई उनके भी उनमें से कईयों को राजनीति धरोहर में भी मिली है, राजनीति सीखी भी है, राजनीति किया भी है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों को भी नहीं पता है। हाँ मर्ज की हर दवा सबको नहीं पता होती है, ऐसा नहीं, और हर आदमी को हर मर्ज भी नहीं पता होता है कभी कभी, लेकिन जैसे अगर आप सामूहिक तरीके, मेरा ये है कि अगर आप पार्टी को ट्रूली लोगों को सुनने लगे, संवाद करने लगे, उनकी बातों पर एक्शन करने लगे, और अपनी जिद हट और अपने ईगो, अहंकार असली में सही शब्द नहीं है उसके लिए इस्तेमाल करने का, लेकिन अपने अहम को एक तरीके से कम करके अपने अहंकार को पार्टी के अहम से, पार्टी की जरूरतों से जोड़ दे, तो चेंज आएगा। कुछ कभी कभी हुआ है ऐसा, कभी कभी इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है, कभी कभी हम लोगों ने नई नेतृत्व को मौका दिया, उसने बड़ा अच्छा रिजल्ट भी दिया है। नहीं, लेकिन संदीप जी अब बचा क्या है? जब 1998 में सोनिया गांधी प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की, तो 3 स्टेट्स थे उनके हाथ में, उसके बाद धीरे धीरे करके 2004 और 9 में सरकार बनाई यूपीए ने, कांग्रेस ने अपने फुटप्रिंट्स बढ़ाए, 2014 में भी 9 राज्यों में कांग्रेस थी, आज कांग्रेस सिमट कर केवल 2 राज्यों में रह गई, तो अब यहां से कांग्रेस क्या होगी? या तो बिल्कुल ही अब जीरो पे चली जाएगी, और या तो फिर वाकई में उठ के जिंदा हो जाएगी, क्या पॉसिबिलिटी आप देखते हैं? जीरो पे तो नहीं जाएगी, ये तो आई एम श्योर, बिकॉज एज आई सेड कि वो कितने भी हम हाथी कितना भी पतला हो तो वो तो नहीं, जीरो पे तो नहीं जाएगी, ये तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जीरो पे तो नहीं जाएगी। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है, जीरो से मेरा मतलब है कि मान लीजिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी गवा देती है कांग्रेस, हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम 3-4 स्टेट्स नहीं रिटेन कर पा रहे, हमारे पे सवाल उठना चाहिए कि हम 15 स्टेट्स पे क्यों नहीं है। इसलिए 2 स्टेट्स जीतने से जो संतोष करता है वो कांग्रेस के लिए उसके मन में कोई प्लान नहीं है।
जैसे मैं तो आज भी मानता हूं मैम कि 2009 में जिस तरीके से हमने 2004 और 9 के बीच में काम किया था, हम चुनाव जीते नहीं थे, हम चुनाव हारे थे। 2004 और 9 के बीच में अगर हमने सही से काम किया होता और कैंपेन किया होता तो हमारे पास 250 से 300 सीटें आनी चाहिए थी। 209 सीटें वो सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन 2009। हाँ, लोग कह सकते हैं भाई जीते हम लोग 2000 का 9 का चुनाव, नहीं जीते। कांग्रेस को कम से कम जिस तरीके से बढ़िया काम हमने किया था, माहौल था, सामने विपक्ष नहीं था, हमें कम से कम 270-260। लेकिन अगर आप हर चुनाव की गलत चीजें पढ़ लें और आप समझ लें कि 2004 से 9 के बीच में राजनीतिक और प्रशासनिक तौर से हमें जो करना था हम कर चुके, तो फिर 2014 जैसे रिजल्ट आएंगे। आप अपने लक्ष्य अगर बिल्कुल सीमित रखेंगे तो हमें एक तो लक्ष्य बड़े करने पड़ेंगे। और मैम ठीक है, उस समय जैसे आपने कहा 2 या 3 राज्य थे, उससे हम कई राज्य में आगे बढ़े, आज भी है, ठीक है आज, क्योंकि हर राज्य में हम उस तरीके से पावरफुल नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति चेंज करने में क्या है, आप पहले 4 स्टेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करिए, फिर 6 पे करिए। हमें मैम फायदा ये है, आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में जहां भले हमारे पास 2.5% वोट हो, आज भी इतनी कैपेसिटी तो है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक मीटिंग कर पाते हैं। इतना तो है, वोट तो नहीं पड़े, चलो मानते हैं जो भी उसकी गलतियां रही, चाहे प्रियंका जी की मीटिंगें रही हो, चाहे कांग्रेस के और नेताओं की रही हो, कहीं 1000 की रैली थी, कहीं 10,000 की रैली थी, कहीं 5,000 की रैली थी, कहीं 20,000 लड़कियां आई, इतनी कैपेसिटी तो हमारे पास आज भी है कि लोग वोट ना दें भले ही, कम से कम कांग्रेस के कार्यक्रमों के में जुड़ने से तो उनको परहेज नहीं है। हो सकता है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली वोट बीजेपी को पड़ा, सपा को पड़ा, तो 80% लोग जो हमारी मीटिंगों में आए उन्होंने वोट शायद उन पार्टियों को दिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति सद्भावना तो है, नहीं तो क्यों आए होंगे इतने लोग। बहुत से स्टेट्स में भीड़े आई अच्छी खासी, ऐसा नहीं है। हम लोगों को लगा कि नहीं, जैसे बार बार मैं तो यूपी नहीं गया, जो आ रहा था कि नहीं और कुछ होना हो कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ेगा। तो मेरा यह कि इसका यह मतलब है कि कांग्रेस में इनहेरेंट कैपेसिटी है, कांग्रेस इज नॉट लेटिंग कांग्रेस डाउन, कांग्रेस लीडर्स आर लेटिंग कांग्रेस डाउन। इसलिए कांग्रेस का वर्तमान भी है, भविष्य भी है, डू वी हैव द कैपेसिटी टू टेक केयर ऑफ दैट, सवाल तो वो है। नहीं तो जब ये सारी चीजें कांग्रेस नहीं कर, चाहे वो कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे वो बाकी ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हो, तो क्या आपको लगता है कि सत्ता की जो एक भूख होती है वो आपसे ये सारे काम कराती है? बीजेपी देख लीजिए, आम आदमी पार्टी देख लीजिए, तो क्या सत्ता की भूख कांग्रेस में बिल्कुल खत्म हो गई है? नहीं, पर वही मैं कह रहा हूं मैम, इनको वो पहली चीज तो आपको सबसे बड़ी भूख जो कम से कम कांग्रेस में ड्राइव करती है, और पार्टियों में तो और बहुत से कारण है, वहां नैतिकता, देश, देशहित, ये सब सवाल नहीं पड़ते, वहां व्यक्ति और स्वार्थ ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए मैं कांग्रेस में हूं और पार्टियों में नहीं हूं। कांग्रेस में सबसे पहली भूख आती है जब आप देश के बारे में सोचते हैं। हमारे बहुत से लीडर देश के बारे में नहीं सोचते, वो कांग्रेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और कांग्रेस का डिजाइन ऐसा है, सी कांग्रेस में हम कार्यकर्ताओं के घूमने से, पेड वॉलंटियर से, घर घर पैसे बांट के नहीं जीतती है। कांग्रेस हमेशा माहौल बनाने से जीतती, माहौल बनता है, हमारा कार्यकर्ता उस तरह का कार्यकर्ता नहीं कि घर घर जाके प्रचार प्रसार करे, वो कभी ओरिएंट ही नहीं हुआ है, वो कांग्रेस से ज्यादा सवाल पूछता है, विपक्ष से कम। ये एक पुरानी प्रथा हमारी पार्टी की रही है, हमारे नेताओं में आधे तो हम अपने आप को ही गरियाते रहते हैं, औरों को तो छोड़ो, अपनी कमियां ही ढूंढते रहते हैं। लेकिन मेरा ये कि उस माहौल बनाने में जो जो मेहनत लगती है, वो माहौल हम लोग का तब बनेगा जब हम देश की बात करने लगेंगे। आज सही में मैम अगर आप देखें तो 2014 में हम लोग चुनाव हारे, ठीक है किसी भी कारण से चुनाव हार गए, हमने बहुत अच्छे काम भी किए 4 और 14 के बीच में, लेकिन अब देश बदल रहा है, थोड़ा समाज बदल रहा है, हम क्या विजन दे रहे हैं कंट्री को, आई थिंक उस चीज को हमको आर्टिकुलेट करना चाहिए। यूथ को हम क्या बता रहे हैं वो आर्टिकुलेट करना चाहिए, तमाम अलग अलग ग्रुपों को, समूहों को क्या हम दे रहे हैं उनके लिए हमको आर्टिकुलेट करना चाहिए। नहीं लेकिन जो एनर्जी, ये कुछ पॉजिटिव एजेंडा भी तो हमें लाने चाहिए ना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं संदीप जी, लेकिन पूरी कांग्रेस में ऐसा है कि केवल एक ही आदमी लड़ाई कर रहा है मोदी जी के खिलाफ, और वो है राहुल गांधी, और वो एक ऐसे आइलैंड में खड़े हैं जहां पर वो चाइना के ऊपर भी बंदूक चलाते हैं, हिंदुत्व के ऊपर भी बंदूक चला रहे हैं, और महंगाई पर भी, बेरोजगारी पर भी, कोविड मिसमैनेजमेंट पर, ऐसा कोई भी इशू नहीं है जिस पर राहुल गांधी ने बात नहीं की है, और मुखरता से उन्होंने ये बातें कही हैं। तो ये जो एक स्पिरिट है, ये जो ड्राइव हम राहुल गांधी के अंदर एक पर्सनल देखते हैं,
वो चीज़ पार्टी के अंदर वो ट्रिकल डाउन क्यों नहीं करती है? अगर राहुल गांधी खड़े होकर एक स्पीच देते हैं, जो अभी हाल में उन्होंने संसद में भी दी थी, क्या शानदार वो स्पीच थी, लेकिन एक ऐसी स्पीच के बावजूद, सारे मुद्दों के मौजूद होने के बावजूद, पार्टी ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मरण शैया पर पड़ी हुई है। ये चीज जो है ये समझ में नहीं आती, बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है पार्टी में। वो इसलिए मैम देखिए, कोई पहली चीज तो ये कांग्रेस को समझ लेना कि केवल एक ही व्यक्ति मोदी के खिलाफ मोर्चा लेता है या और पार्टियों के खिलाफ मोर्चा लेता है, ये गलत है। कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो मोर्चा लेते हैं, आप मंची नहीं दोगे तो कौन मोर्चा लेगा भाई? ओके, एक तो ये हमारी बहुत बुरी आदत हो गई है। आपने देखा होगा कांग्रेस से तमाम वीडियो क्लिप्स निकलते हैं, दो तीन बड़े नेताओं को छोड़ के किसी और का निकलता है, राइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि फलानों ने कुछ बोला, बिना पद लिए वो बोल रहे हैं तो आ रही है, बाकी सीएम्स के बारे में, हमारे मंत्रियों के बारे में, हमारे और लोगों के बारे में, वो कांग्रेस ही नहीं है क्या? इतना अच्छा अच्छा मैम, मैंने गली मोहल्ले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इतना गजब बोलते देखा है, आप कभी उनके वीडियो डाल दीजिए तो भागते फिरेंगी बाकी विपक्ष की पार्टियां, क्यों नहीं उनको? Exactly. क्या टैलेंट सिर्फ आपका, किसी का कोई, भाई ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल जी अच्छा नहीं बोलते या और लोग अच्छा नहीं बोलते, फिर एक व्यक्ति अगर सब कुछ बोलेगा तो एक व्यक्ति को मंच ना देने, जो ये मंच ना देने की प्रवृत्ति, आप कार्यकर्ताओं को क्या, कार्यकर्ता लोग कहते हैं हमारे कार्यकर्ता, कार्यकर्ता क्या मतलब है भाई? कार्यकर्ता क्या जगह देते हो? कार्यकर्ता सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए नहीं है, उसके लिए तो बीजेपी और आम आदमी में ज्यादा अच्छा है, उनका मॉडल ज्यादा अच्छा है उनके कार्यकर्ताओं को पैसे से सशक्त करने का, हमारा वो मॉडल नहीं रहा है हमेशा, हमारे कार्यकर्ताओं की भागीदारी का रहा है नेतृत्व में, बात करने में, मीटिंग्स में बोलने में। तो आपने ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया है जो आपने कहा कि, मैंने कहा एक चीज ये कि सिर्फ वही क्यों, दूसरा ये कि जब ये बात पब्लिक में जाएगी और पब्लिक में कांग्रेस भी अपने अच्छे लोगों को, बात करने वालों को, प्रचार करने वालों को रिकग्नाइज करेगी तो उनको बल मिलता है, तभी बीजेपी के या आम आदमी के 10,000 वीडियो आते हैं, हमारे 10 नहीं आते। भाई मैं एक चलो बिल्कुल वैसी अजीब सी बात करता हूं, अगर संदीप से कहा जाए कि संदीप तुम भैया ये बड़ी चीज बड़ी अच्छी बोलती है, तुम्हारा 2 मिनट का वीडियो, तुम इसका प्रचार प्रसार करो, मैं अपना वीडियो करूंगा ना, मुझे एक अपनापन मिलता उसमें। या कल को मुझे फोन आ जाए एएससीसी से कि सीनियर लीडर से कि संदीप जी इस मुद्दे पे आप अच्छा बोले, इसको थोड़ा बढ़ाओ, अरे शेर की तरह घूमूंगा मैं। हाँ किसी की तारीफ करनी हो, ये आ जाता है कि फलाने का रीट्वीट करो, फलाने का बढ़ाओ, जरूर करेंगे। लेकिन जब और कोई अच्छा बोलता है, अच्छा पॉइंट लगाता है, जैसे सिंपल मैम, आप मेरे ख्याल से आज खासकर जो यूनिवर्सिटी या जो पढ़े लिखे बच्चों में, मेरे ख्याल से कांग्रेस का सबसे पॉपुलर लीडर शशि थरूर है, आई डोंट बी यूज हिम, उनके ट्वीट यू फील दैट थरूर इज नॉट बीइंग यूज्ड ऑप्टिमली द वे ही शुड बी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि शशि जी का एग्जांपल आपके व्यूअर्स इमीडिएटली उससे कनेक्ट करेंगे, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। ऐसे बहुत हैं, ऐसे ऐसे मैं मध्य प्रदेश में मैं बहुत काम करता हूँ, दिल्ली तो कम ही रहता हूँ, 80% मध्य प्रदेश में रहता हूँ, ऐसे ऐसे मध्य प्रदेश के दीगर इलाकों में कांग्रेस के पदाधिकारी तो नहीं पर कांग्रेस से सहानुभूति रखते हुए ऐसे गजब के लोग बोलने वाले हैं, मैं मौका ही नहीं देता उनको, क्योंकि डर भी है, जानते हैं अगर जिसमें टैलेंट है वही तो आपको रिप्लेस करेगा। लेकिन ये इनहेरेंट इनसिक्योरिटी है, मंच नहीं देने का मतलब है कि आप इनसिक्योर हैं, और वही जो 4, 5 या 6 या 7 का जो ग्रुप है जिसमें कि गांधी परिवार भी है, उनके इर्द गिर्द जो उनकी कोटरी, जो उनका दरबार है, अगर वो इतने इनसिक्योर हैं कि वो किसी को मंच नहीं दे सकते, तो फिर ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है कि क्या होगा। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि अब आगे आपसे सवाल भी क्या करूं मैं, सारी बातें तो आपने बहुत अच्छे और स्पष्टता से बता दी, अब मेरे पास सवाल नहीं है, सवाल ही नहीं है संदीप जी। भगवान, भगवान मालिक को तो अच्छा है क्योंकि भगवान तो अच्छा ही करता है, इसलिए काश भगवान मालिक होता, हम तो चाह रहे कोई तो मालिक बने, हमें तो मालिक ही नहीं मिल रहा है, इतनी सुंदर बगिया है, अरे मालिक मिल जाए तो पता चल जाए, हमारे अभी कांटे दिख रहे हैं, सब जगह फूल खिलेंगे, बगिया में वो तो मिले मैम, वही है मैम, थोड़ा कुछ नहीं है मैम, टैलेंट है, आइडियाज हैं, हम लोग निकल भी लेते हैं, जैसे मैंने कहा यूपी जैसी जगह में भी हम लोग 10-10, 20-20 हज़ार की भीड़ के कार्यक्रम कर देते हैं, तो इसका मतलब है बुरी से बुरी हालत में भी कुछ तो है हम में, वो जो एक उसको मैं कांग्रेस के संदर्भ में नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि वो तो हमारे महान भारत देश के बारे में कहा गया, लेकिन वो कहा जाता ना हस्ती नहीं मिटती हमारी, तो थोड़ा बहुत उसका अंश अगर मैं कांग्रेस में अप्लाई करूं, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू माय मदरलैंड, मतलब देश की कल्पना तो की कंपैरिजन तो किसी चीज से नहीं किया जा सकता, लेकिन यू नो जैसे कभी कभी किसी कविता को संदर्भ में करें तो हस्ती तो हमारी नहीं मिट रही,
लेकिन उस हस्ती को सिर्फ हस्ती से कॉन्क्रीट रूप में सत्ता में परिवर्तन करना, उसके साथ देशों और प्रदेशों और समाज में सकारात्मक परिवर्तन करना, वो कैपेसिटी तो हमें लानी पड़ेगी ना। वी आर लेटिंग द कांग्रेस डाउन। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए, आपने जो बातें सारी कही हैं, उम्मीद है कि पार्टी फोरम्स पे इसका संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि आपने इतना अच्छा बोला, लेकिन कांग्रेस की असली प्रॉब्लम यह है कि जब मंच ही नहीं मिलता ऐसे लोगों को। तो चलिए, अब हम ये इंश्योर करेंगे कि आपका ये वीडियो लोग दूर दूर तक देखें और समझें कि संदीप दीक्षित ने कांग्रेस की जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स है कितनी स्पष्टता से सबके सामने रखी है। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर कमिंग ऑन न्यूज़ क्लिक। थैंक यू सो मच।